नरसिंह नगर जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया में पृथ्वी सर वित्रिका 31 समय जाकोठी के लिए हुए नामांकन, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए रघुवीर सिंह उर्फ राजू निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो वहीं उनके नीचे 6 टीसी मेंबर्स भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस मौके पर सिंचाई विभाग के निर्वाचन अधिकारी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रघुवीर सिंह को विजयी होने का प्रमाण पत्र सौंपा। तो इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष भागीरथ पुनिया ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को माला पहनाकर बधाई दी। इस मौके पर महिला कांग्रेस जिला सेवा दल अध्यक्ष गोगा देवी नायक व पूर्व उप प्रधान पंचायत समिति भवानी सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति नागरिक मौजूद रहे और जीत की खुशी में ढोल नगाड़ों के साथ रंग गुलाल का भी छिड़काव किया गया। आवाज न्यूज राजस्थान के लिए रायसिंह नगर से संवाददाता आवेश कड़वा की रिपोर्ट। आज श्री ठाकुर जी मंदिर के प्रांगण में पहुंचे हुए सभी मेरी ग्राम पंचायत समेजा के जागरूक मतदाता बंधुओं, कुछ रोज पहले इन्होंने निर्विरोध मेरे को पंचायत ने चुना था और उसी कड़ी में आज 13 तारीख वाले दिन नॉमिनेशन का तारीख थी आज, और उस नॉमिनेशन में एक ही फार्म नॉमिनेशन पंचायत की तरफ से मेरा किया गया और उसमें मेरे को निर्विरोध सारी ग्राम पंचायत ने मेरे को बनाया। जितने भी मेरे चक उसमें आते हैं, पृथ्वीश्वर माइनर की 31 नंबर कमेटी के अंदर 7 मुगों हैं, 7 मुगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी जुड़े हुए लोग हैं उस कमेटी से बाहर भी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सारी उम्र इस ग्राम पंचायत और इस कमेटी का ऋणी रहूँगा कि इन्होंने मेरे को निर्विरोध बना के मेरे पर इतना भरोसा जताया, उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँगा। आज जो हमारे जल उपभोक्ता संगम पृथ्वीसर वित्रिका तृतीय कमेटी संख्या 31 के जो नामांकन हुए हैं, उसमें सभी टीसी मेंबर 1 से 6 और अध्यक्ष पद के लिए एक एक फॉर्म आया है, और उसमें सभी जो अपने टीसी मेंबर और जो अध्यक्ष है वो निर्विरोध घोषित हुए हैं। उसमें अपने रघुवीर सिंह जी जो है वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकित निर्विरोध घोषित हुए हैं।